नमस्कार दोस्तों, लाइफ केयर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका कद छोटा है, जो छोटे कद के कारण हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, जिन मेरे भाई बहनों का कद छोटा है, उन लोगों ने हाइट बढ़ाने वाली पील्स, पाउडर और दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल किए होंगे। शायद आपको पता चल गया होगा कि वो कितने झूठे होते हैं। अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां लोगों की कमी का फ़ायदा उठाती हैं और उनको ठगते हैं। दोस्तों, इसलिए हम आपको इस वीडियो में यह बताना चाहते हैं कि यदि हाइट बढ़नी है तो अपने आप ही बढ़ेगी, या फिर यह बढ़ेगी सिर्फ सही डाइट, एक्सरसाइज और कुछ जड़ी बूटियों की मदद से। आप ऐसा कर सकते हैं, खासकर यदि आप 18 साल से ऊपर की लड़की हैं या लड़के हैं और आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। दोस्तों, कुछ मामलों में हाइट आपके माता पिता से मिले जींस के ऊपर भी निर्भर करती है। इसके अलावा बचपन में आपकी लंबाई या हाइट बढ़ाने के लिए अच्छे हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है और फलस्वरूप आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। यदि आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको नियमित एक्सरसाइज और पोषण युक्त खान पान द्वारा कुछ खास जड़ी बूटियों का प्रयोग करना होगा, जो आपके शरीर में ऐसा माध्यम बने जो कि आपकी लंबाई को 25 साल के बाद ही बढ़ा सके। दोस्तों, ऐसी ही एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है अश्वगंधा। अश्वगंधा हाइट बढ़ाने की सबसे बेस्ट यानी उत्तम आयुर्वेदिक दवाई मानी जाती है। ऐसा इसमें छिपे हुए गुणों के कारण होता है। दोस्तों, अश्वगंधा दो तरह से आपकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। पहला तो इसमें ऐसे मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह पोषक तत्व मिलने से आपकी हड्डियों की वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप आपका कद लंबा होने लगता है। और दूसरा, अश्वगंधा में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बढ़ाकर आपकी हाइट को लंबा करने में मदद करते हैं। इन दो कारणों के कारण ही आयुर्वेदिक एक्सपर्ट अश्वगंधा चूर्ण रोजाना दूध के साथ लेने की सलाह लेते हैं। तो दोस्तों, आपने अश्वगंधा चूर्ण लेना कैसे है भी आपकी हाइट बढ़ सके, इसके लिए दोस्तों बस आपको इतना करना है कि यदि आपकी एज 20 साल से ऊपर है, तब आपको अश्वगंधा का एक चम्मच दिन में दो बार भोजन से आधे घंटे पहले लेना है। एक एक चम्मच दोपहर के भोजन से एक घंटा पहले और रात को एक भोजन से एक घंटा पहले। और यदि आप 14 से 20 साल के बीच हैं तो आपको आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर दिन में दो बार भोजन से कुछ देर पहले लेना है। दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर इसको 45 दिन तक इस चूर्ण को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। सही डोज और कोर्स से अगर आप ये चूर्ण लेंगे तो आपकी हाइट परमानेंट बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि हम अश्वगंधा की बात करते हैं, कोई भी डॉक्टर की दवाई या हाइट बर्निंग सप्लीमेंट लेते हैं, वह तब ही असरदार होगा जब आप रोजाना एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट खाएं। इसी प्रकार अश्वगंधा लेने का भी असर तब होगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और पोषण युक्त आहार लें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो अश्वगंधा का असर सही से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण किन लोगों को नहीं लेना, क्योंकि हर एक चूर्ण हर मरीज के लिए नहीं होता, तो उन लोगों को नहीं लेना जिनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह या नींद ना आने की समस्या, मानसिक तनाव की दवाई ले रहे हैं उनको नहीं लेना, प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली महिलाओं को नहीं लेना। दोस्तों, अर्थराइट्स और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले लोगों को नहीं लेना, जो लोग शराब पीते हैं या थायराइड की दवाई लेते हैं उनको नहीं लेना, या आपके पेट में अल्सर या अश्वगंधा से आपको एलर्जी है तो आपको अश्वगंधा का चूर्ण दोस्तों नहीं लेना, बाकी सब इसका चूर्ण ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अश्वगंधा के सेवन के बाद आपको जी में चलाना, पेट में दर्द, भूख ना लगना जैसे लक्षण दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और इस पाउडर का सेवन बंद कर दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।